IQ का Z9S Pro हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था और ये आज डिलीवर हो गया, तो इसे फटाफट से ओपन करते हैं, आपको दिखाते हैं कि भैया इस डब्बे में जो फोन आया है वो सच में फोन आया है कि नहीं आया है, क्योंकि ये भी चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है आज के टाइम में। ओपन कर लेते हैं और इसमें बिल वगैरह दिया गया, तो बिल को भी रख देते हैं साइड। काफी अच्छी आ रही है इसमें से, मतलब नया नया बॉक्स का जो महक होता है ना वो एक अलग ही टाइप का आता है। फ्लिपकार्ट से जब भी हम ऑर्डर वगैरह करते तो उसमें ओपन बॉक्स डिलीवरी वाला सिस्टम रहता है, तो वो लोग बक्से खोल लेते हैं, इसलिए जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस रहता है वो हम लोग यहाँ पे नहीं ले पाते। लेकिन यहाँ पे अमेजोन से हमने इस बार ऑर्डर किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा पेटी पैक यहाँ पे हमको ये फोन मिला है। IQ यहाँ पे लिखा गया है और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, IQ Z9S Pro 5G है और 8GB 128GB वाला हमने यहाँ पे इसको मंगवाया है। तो इसका प्लास्टिक हम लोग फटाक से पील ऑफ यहाँ पे कर लेते हैं और मेन मटेरियल जो है ना इसके अंदर, यानी कि जो फोन है, देखते हैं किस टाइप का फोन यहाँ पे दिया गया है, बिल्ड क्वालिटी वगैरह किस टाइप की है। तो ये हमारा बक्सा यहाँ पे निकल चुका है, काला रंग का बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसका सील को भी हम लोग यहाँ से फटाक से कट कर लेते हैं। ये जो है हमारा फोन निकलने वाला है, ऑरेंज कलर में हमने इस फोन को मंगाया। तो ये तो हमारा हो गया पहला यूनिट फोन, फोन को रखते हैं हम लोग साइड। यहाँ पे आईमी स्टिकर वगैरह दिया गया है, इन सारी चीजों को भी रखते हैं साइड। और एक आपको यहाँ पे TPU कवर मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट टाइप का कवर यहाँ पे दिया गया है, जिसकी क्वालिटी डिसेंट है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, नहीं बहुत ज्यादा खराब, हाँ डब्बे में दिया गया है जो की एक अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको एक एडेप्टर मिल जाता है, 80W का ये एडेप्टर है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको Type-A to Type-C वाला केबल यहाँ पे दिया गया है और एक सिम इजेक्टर टूल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये सारा माल मटेरियल यहाँ पे दिया गया है, इन सभी को रखते हैं साइड में और बात करते हैं इस फोन के बारे में। तो चलिए मेन जो हमारा फोन है ना, इसको भी हम लोग यहाँ से इसका कपड़ा उतार के देखते हैं इसका क्वालिटी किस टाइप का। यहाँ से निकालेंगे तो फट जाएगा ना, तो एक काम करते हैं इसको नीचे की तरफ से हम लोग खींच के निकालते हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक है ना ये फटना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता, फट जाता है। तो इसको बाद में हम लोग जो है ना फिर से पहना के रख सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता है मेरा काम रिव्यू का है, मोबाइल को हम लोग अच्छे से यहाँ पे रखते हैं। ये रहा हमारा मेन यूनिट IQ का Z9S Pro 5G, नाम थोड़ा ज्यादा लंबा है। इन हैंड एक्सपीरियंस यार मेरे को तो ठीक ही लग रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं लग रहा, नहीं बहुत ज्यादा छोटा लग रहा है, देखने में काफी ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। पीछे के साइड जो यहाँ पे वीगन लेदर का एक फिनिश दिया गया है और जो साइड का जो फ्रेम है ये आपको प्लास्टिक फ्रेम के ही साथ आएगा, तो ये चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना, कोई भी मेटल फ्रेम यहाँ पे नहीं दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो कैमरा का जो मॉड्यूल दिया गया है आप देख सकते हैं, ये भी जो है ना ये जो साइड का एजेस वगैरह आप देख रहे हैं ये भी आपको प्लास्टिक का ही मिलेगा, ये कोई मेटल का यहाँ पे नहीं दिया गया। बहुत ही बड़ा कैमरा बम्प यहाँ पे दिया गया है, तो कवर पहना के ही यूज कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह यहाँ पे लग जाएगा। और दोस्तों इसमें जो कैमरा आपको दिया गया वो 50 MP का मेन सेंसर यहाँ पे यूज किया गया, इसमें आपको सोनी का सेंसर IMX883 मिल जाता है और जो दूसरा सेंसर आप यहाँ पे देख रहे हैं वो 8 MP अल्ट्रा वाइड वाला यहाँ पे कैमरा दिया गया। तो इसको भी डिटेल में इसका कैमरा टेस्ट वगैरह भी हम आउटडोर में जाके करेंगे, तो उसके लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोज है जल्द से जल्द मिल सके। बाकी यहाँ पे देख लेते कि SD कार्ड लगता है कि नहीं लगता, मेरे ख्याल से नहीं लगता होगा इसमें। जी हाँ, यहाँ पे आप दो नैनो सिम कार्ड लगा सकते हैं, कोई भी SD कार्ड का स्लॉट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। नीचे की तरफ अगर आप देखो तो Type-C का पोर्ट मिल जाएगा और आपको स्टीरियो स्पीकर के साथ आता है, और इस साइड आपको यहाँ पे पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट यहाँ पे नहीं लिखा गया है, तो इसमें डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट नहीं दिया गया। तो फटाक से इस फोन को हम लोग बूट कर लेते हैं और बूट करने के बाद फिर इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। जब तक ये फोन बूट हो रहा है, इसके डिस्प्ले की जहां तक बात है दोस्तों, तो यहां पे आपको 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है और ये कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। और अच्छी बात ये है कि इसके डिस्प्ले में पहले से आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर जो है लगा के दिया गया, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि कर्व डिस्प्ले का जल्दी टेम्पर्ड ग्लास मिलता नहीं है, तो स्टार्टिंग में अगर कंपनी लगा के आपको दे रही है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। और जहां तक बात है दोस्तों इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3 वाला प्रोसेसर दिया गया है और कंपनी का ऐसा कहना कि 8 लाख से भी ज्यादा अंतु स्कोरिंग ये निकाल कर देता है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन टाइप का प्रोसेसर है। अब ये बेहतरीन टाइप का प्रोसेस में दिया गया है कि नहीं दिया गया है तो हम लोग यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे, क्योंकि इसका डिटेल में जब टेस्ट करेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हम यहाँ पे बता पाएंगे। बाकी इन हैंड एक्सपीरियंस के हिसाब से ये फोन तो हमको काफी ज्यादा प्रीमियम तो देखने में लग रहा, तो इसको हम लोग फटाक से सेटअप भी यहाँ पे कर लेते हैं, इंडिया करके यहाँ पे रीड इन पॉलिसी नेक्स्ट करके तो लॉक डाल देते हैं 000 नेक्स्ट और इनरोल कर लेते हैं अपना फिंगरप्रिंट को यहाँ पर फटाक से। थोड़ा सा फिंगरप्रिंट का जो प्लेसमेंट है ना वो थोड़ा सा और ऊपर रहता तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि थोड़ा सा नीचे रहने से ना स्मार्टफोन को एक हाथ से खोलना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो प्लेसमेंट अगर थोड़ा और ऊपर होता
तो ज्यादा बेटर होता। अब दोस्तों जब भी आप वीवो का स्मार्टफोन ले रहे हैं या फिर ओप्पो का स्मार्टफोन ले रहे हैं ना, जिसमें भी कलर ओएस दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों कि अगर आपको एडवर्टीजमेंट वगैरह से ज्यादा झमेला नहीं चाहिए ना, बार बार एड्स वगैरह आते हैं, तो ये जो सर्विस रिकमेंडेशन यहाँ पे आईक्यू को फोन में या फिर वीवो को फोन में जो देते हैं, जिसमें भी कलर ओएस बेसिकली आता है, उसमें आपको यहाँ पे ऑफ कर देना स्टार्टिंग में ही, तो आपको बहुत कम एड्स वगैरह देखेंगे। और इसको भी ऑफ, नीचे आके लॉक स्क्रीन पोस्टर को भी ऑफ कीजिए। TWS पेयरिंग को छोड़ देते हैं हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट कर देते हैं। अब जो है एडवर्टीजमेंट जो है बहुत ही कम आएगा। तो फ्रंट ओएस को हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया है और जो डिस्प्ले यहाँ पे आप देख सकते हो काफी ज्यादा ब्राइट है, और जो आईक्यू का फोन है तो इसमें कलर ओएस दिया गया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वीवो का एप स्टोर वगैरह दिया गया है और ब्लोटवेयर के नाम पे आपको हॉट गेम्स हॉट एप्लीकेशन वगैरह मिल जाएंगे और रिकमेंडेशन वगैरह में यहाँ पे मिंत्रा का फोन पे वगैरह ये पहले से दिया गया। तो चलो ये सारी चीज तो यहाँ पे यूजफुल दी गई है, आप इसको यूज करते होगे, लेकिन यहाँ पे जो हॉट गेम्स वगैरह दिया है दोस्तों, इसको आपको यूज नहीं करना है। ये बहुत ज्यादा अजीब अजीब इसमें गेम्स वगैरह आते हैं, इसको आप हटा दीजिएगा तो ज्यादा ही बेटर रहेगा। बाकी स्नैपचैट वगैरह भी इसमें दिया गया, कैमरा का जो इंटरफेस है वो आपको कुछ इस टाइप यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मोर में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का अलग से एक ऑप्शन दिया गया है। अल्ट्रा एचडी में डॉक्यूमेंट को स्कैन वगैरह कर सकते हो, ड्यूल वीडियो का मोड दिया गया। बाकी इसको डिटेल में हम कैमरा टेस्ट भी करेंगे आउटडोर में निकल के, तो उस वीडियो के लिए जरूर से बने रहिएगा। बाकी जो इसका डिस्प्ले है अभी तक तो काफी ज्यादा ब्राइट लग रहा है, आप देख सकते हो धूप में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सामने मेरे गेट है वहां से रोशनी काफी ज्यादा आ रही है, तो ब्राइट बहुत ज्यादा स्क्रीन है। बाकी इसको आउटडोर में भी टेस्ट करेंगे तो और भी अच्छे तरीके से हम बता पाए। बाकी इस फोन की रिगार्डिंग आपको और क्या क्या वीडियो चाहिए वो भी हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।